फ्रेंड्स, टुडे वी आर डिस्कशन अबाउट द ट्रेनिंग। व्हाई इज ट्रेनिंग इम्पोर्टेंट टू एन ऑर्गेनाइजेशन? किसी भी औद्योगिक प्रतिष्ठान में या औद्योगिक इकाइयों में ट्रेनिंग एसेंशियल पार्ट क्यों है? किसी भी मैनेजमेंट ट्रेनिंग में या डिप्लोमा होल्डर्स को या बीटेक वालों को या किसी भी स्किल वर्कर्स को जब लिया जाता है तो उनको ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजर्स के अनुरूप क्यों दी जाती है, तो उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो आज अपना फर्स्ट पार्ट में ट्रेनिंग के बारे में डिस्कशन होगा और इसमें फर्स्ट हम इन टॉपिक्स पे टोटल टू पार्ट्स में डिस्कशन करेंगे। आउटलाइन क्या है इसकी, व्हाट इज़ द ट्रेनिंग, ट्रेनिंग क्या होती है, किस तरह की ट्रेनिंग होगी, इसके किस प्रकार की ट्रेनिंग होगी, क्या टाइप्स होगी, मैनेजमेंट ट्रेनिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ द मैनेजमेंट ट्रेनिंग क्या होती है, टेक्निकल ट्रेनिंग क्या होती है और अदर पार्ट्स की जो भी ट्रेनिंग है वो सारी के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट डज कॉर्पोरेट ट्रेनिंग इंटेल, यानी कॉर्पोरेट इंटेल ट्रेनिंग के लिए क्या करता है। व्हाट इज द सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग और सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग क्या होता है, और फिर इसके फाइनली अपन इसके बारे में कॉन्क्लूजन और समरी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो वी स्टार्ट टुडे, टाइप्स ऑफ द ट्रेनिंग, ट्रेनिंग कितनी तरह की होती है। तो पहली फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट ट्रेनिंग में हम ये देखते हैं कि स्टूडेंट जो डिप्लोमा होल्डर्स हो या बीटेक हो या कोई भी अदर आईटीआईज हो, तो जिस टाइप का स्टूडेंट होगा, चाहे बीटेक हो, चाहे डिप्लोमा हो, चाहे आईटीआई हो, उसको किस तरह की ट्रेनिंग और किस जॉब के लिए उसका रखा जा रहा है वो आइडेंटिफाई करेंगे कि उसको ट्रेनिंग जिस जॉब या जिस फील्ड के लिए रखा गया है तो उससे रिलेटेड हम ट्रेनिंग उसको ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करता है और उसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखता है, तो वो हम डिडेक्टिक एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, बिहेवियर कोर्स एंड एथिक्स, इस बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो इंडिविजुअल ट्रेनिंग क्या होती है, इसमें हम बताएं इंडिविजुअल ट्रेनिंग क्या होती है। इंडिविजुअल ट्रेनिंग हम ये देखते हैं कि जो व्यक्ति प्रश्न है, जिस पार्ट या डिप्लोमा होल्डर हो या बीटेक हो, उसको जो हम ट्रेनिंग देने जा रहे हैं तो पहले उसको बिहेवियर एथिक्स के बारे में नॉलेज होगी, उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए ड्यूरिंग द वर्क ऑन द जॉब, कैसा वर्किंग करते हैं और अपने साथी क्लिक से कैसा बिहेवियर और उसके एथिक्स क्या होनी चाहिए, यानी एथिक्स का मतलब उसको अपने जो जॉब उसको असाइन किया गया उसके प्रति वो कितना डेडिकेटेड है, कितना आत्मलगन से काम करता है, कितना डिवोट होता है और कितनी ईमानदारी एक्यूरेसी से वो काम करता है, ये सब उसमें एथिक्स है या नहीं। सेकेंडली, जो भी वर्कर या मैनेजमेंट ट्रेनिंग वाला डिप्लोमा होल्डर्स है वो फिजिकली फिट होना चाहिए, अगर वो फिजिकली फिट नहीं है तो उसको फिजिकल एजुकेशन के बारे में बताया जाता है कि हमें अपने आप को कैसे फिट रखना है, अपने बॉडी स्ट्रक्चर वगैरह, और एक्टिव वर्कर कैसे रहना है, एक्टिव पर्सन कैसे रहना है, ये सब चीज़ें उसमें सिखाई देते हैं। रिलेशनशिप और सोशल, यानी कि एक व्यक्ति को जिस एनवायरनमेंट में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, वहाँ जाता है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में टॉप टू बॉटम लेवल पे किस तरह के उसको रिलेशन मेंटेन करने हैं, कैसे उसको डिक्रमेंट करना है, कैसे उसको टेक्निकल सपोर्ट या अपने साथियों से सपोर्ट लेना है जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर के लिए वो अच्छे से काम कर सकते हैं अपने रिलेशन मेंटेन करते हुए, और उसका सोशल बिहेवियर अदर पीपल्स और अदर वर्कर्स और अदर स्टाफ और मैनेजमेंट के साथ कैसा रहता है, ये सब चीज़ें उस पर डिपेंड करती है। तो ये रिलेशनशिप और सोशल एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी स्टूडेंट्स के लिए कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल रन कराने के लिए रिलेशनशिप और सोशल होना अति आवश्यक है। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में हमें देखते हैं कि जो टेक्निकल ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग किस स्टेट का आदमी है, क्या ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट है, क्या है, किस तरीके उसको हमें काम में लेना है, कैसे उसको ट्रेनिंग देनी है, ये सब्जेक्ट उसमें टेक्निकल भी हो सकती है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग भी हो सकती है या अदर ट्रेनिंग भी हो सकती है। तो टेक्निकल में हार्ड स्किल्स क्या होती है और ये सब चीज़ें उसमें बताई जाएगी, और उसको टेक्निकल जो नॉलेज है, टेक्निकल जो प्रोडक्ट बनता है उसके अनुसार उसमें क्या क्या टेक्निकल टर्म्स है, कैसे उसको सारी चीज़ें वो उसमें बताई जाती है। कंटिन्यूइंग एजुकेशन क्या प्रोफेशनल अप्रोप्रिएट है, कंटिन्यूइंग एजुकेशन और सॉफ्ट स्किल। कंटिन्यूइंग एजुकेशन में यानी कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन चलता है या कोई इंडस्ट्री चलता है तो उसे निरंतर रिसर्च होता रहता है, नए नए एक्सपीरियंस मिलते रहते हैं और उसके अनुसार उसको कंटिन्यू सीखना पड़ता है कि क्या मॉडिफाई करना है, क्या फ्यूचर इनोवेशन करना है, क्या हमें टारगेट बनना है, ये सब चीज़ें उसमें है। और सॉफ्ट स्किल्स में हम उसके स्किल्स को कैसे डेवलप किया जा सकता है, कैसे उसको मेंटेन किया जाए कि इंडस्ट्री बहुत अच्छे से रन करे, उसका एनवायरमेंट बहुत अच्छा हो, उसके प्रोडक्टिव हो और नीड ऑफ द मार्केट के अनुसार हो, तो वो सब चीज़ें इन चीज़ों में कवर करती हैं। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में हम डिस्कशन करेंगे टेक्निकल, उसमें आएगा टेक्निकल में कंप्यूटर ट्रेनिंग, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ट्रेनिंग, एक्सेल, पावर पॉइंट, पीपल सॉफ्ट एक्सेट्रा, इन हाउस एप्लीकेशंस, इन चीज़ों के बारे में
कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में डिस्कशन हो जाता और जो प्रोडक्शन के स्टूडेंट उनको भी टेक्निकल की ट्रेनिंग अलग से, जो इसमें इन्वॉल्व नहीं है उनको टेक्निकल की ट्रेनिंग अलग से देती है, क्योंकि जिस इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट बनता है, किस टाइप का प्रोडक्ट बनना है, क्या उसकी उसके लिए टेक्निक्स चाहिए और क्या उसको उसके लिए नॉलेज चाहिए, क्या उसको इंडस्ट्री में जो ड्यूरिंग एजुकेशन टाइम उसने जो चीज़ें उसको वहाँ नहीं मिली वो इंडस्ट्री में किस तरह जी सकती है, सब चीज़ें टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन में देखी जाती है और उसको अनुकूल ट्रेनिंग में उसके योग्य बनाया जाता है। थैंक यू।